कब्बर भैया ने इस अंकल को तो उठाया है तो उठाया देखो कहाँ से पकड़ के है ऐसे मुझे सोच के भी इतना दर्द हो रहा है तो ये अंकल की क्या कंडीशन होगी भाई गब्बर भैया और वो अंकल एक दूसरे को मुक्का मारे तो ऐसे ही हेरा फिर जैसा मुंह बनाया हुआ गब्बर भैया ने और उसी टाइम जब कैमरा साइड से आता है तो इनके फेस एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है जैसा बड़ा चिल माहौल बनाया हुआ अंक ने एक ब्लॉक मारिया इसे तो ये अपने पेट के बल पीछे जा रहा है ना पर जैसे कैमरा इस एंगल से दिखाता है तो वो अंकल तो ऐसे लग रहा है कि खुद ही डाइव लगाकर बाहर जा रहे हैं वेट ये तो वो अंकल है ही नहीं भाई लोग मिस्टेक पकड़ने में आप लोग बड़े तेज हो रहे हो पर आप बताओ इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है हाँ हाँ मुझे है कि ये लड़की उल्टा मोबाइल पकड़ के सेल्फी ले रही है वो मिस्टेक तो है पर इस पिक्चर में एक छुपी चीज है अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना और दिख गया तो जल्दी से कमेंट में बताओ सो लेट्स गो इस सीन में गब्बर ने करप्टेड लोगों को चेतावनी देने के लिए सीडी भेजी है जो कि सोशल मीडिया पर भी अपलोड हो गई है फिर भी ये सारे सीडी डी खरीदी जा रहे हैं अब यार सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई है तो वहाँ देख लो पर नहीं पैसा बर्बाद करना है इन्होंने बस इस दिन में चिरकुट पार्टी इस कॉलेज के गेट को तोड़ने आ रहे हैं तो गब्बर को पता नहीं कैसे पता लग गया की ये लोग आ रहे हैं जो पहले से शोब अख्तर की तरह भागते जा रहे हैं चिरकुटो की तरफ और यार चिरकुट पार्टी के दो किलोमीटर दूर होंगे जब ये बातें कर रहे थे की प्रॉब्लम है ना नसल तर गेट और जब ये इतनी दूर से आते हैं और गब्बर भैया दूसरी साइड से इतनी दूर से भागे हुए आ रहे हैं पर फिर यहाँ आकर बोलते हैं मैं कभी पढ़ाई नहीं की ना तुम लोगों ने कॉलेज का गेट तोड़ना चाहते हो अबे ये बात इन्हें कैसे पता चली कि ये लोग दरवाजा तोड़ने आने वाले थे आई I मीन mean, और यार इस बंदे की मुझे समझ नहीं आती इस बंदे को लिटरली हर मूवी में गुंडा ही बनाते हैं और गुंडा भी ऐसे ही बनाते हैं की सबसे पहले यही पिटता है मैं भी आप लोगों ने नोट ना किया हो लेकिन आप नोट करना और अब फाइनल मुझे लगा कि ये बंदा अपने गब्बर भैया को डंडा मारने लगा है, तो एकदम पता नहीं क्या हुआ कि उसका डंडा ही गायब हो गया जादू और अब ये एकदम सीधा खड़ा हो गया अपने गब्बर भैया से लाफा खाने के लिए आहा। क्या बात है अब इसे गब्बर भैया ने अपना घुटना मारा है तो ये तो ऐसे रहते हैं घुटने में इन्होंने पंखा लगाया हो जो बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं अबे यार मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी हवा और तेज होती ना तो इस बेचारे ने जोनी भैया ही बन जाना था इसी में गब्बर भैया इस गाड़ी पर जा रहे हैं तो एकदम ये लड़की आगे आ जाती है और एकदम गब्बर भैया ड्रिफ्ट भी मार देते हैं पर भाई ऐसी ड्रिफ्ट हैंड ब्रेक मारने से लगती है पर इनके दोनों हाथ तो स्टेरिंग पर थे तो हैंड ब्रेक कैसे लगाई और यार दो हजार पंद्रह में अपने गब्बर भैया के पास बड़ा पैसा ताकि इस हॉस्पिटल का बिल भी सब इन्होंने अपने पैसों से और इतनी कमाल की गाड़ी भी है और मोबाइल इन्होंने अभी भी टिक टिक वाला ही रखा हुआ है, जबकि 2015 में तो आईफोन 6 तक आ गया हुआ था और मजे की बात जब ये अपनी पांच साल पुरानी स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उसमें भी इनके पास यही वाला मोबाइल है जो दो में है अभी यार इस सीन में ये चिरकुट लिटरली अपनी बीवी को छोड़ के सबकी पत्नियों को देख रहे What? माला भाई इससे बंदा मैंने नहीं देखा ऐसे तरसे लोंडे ना खुद को सख्त लोंडा कहते हैं पर असल बात ये होती है की कोई लड़की इन्हें मुंह ही नहीं लगाती इस दिन का तो सबको पता ही है जिसमे गब्बर भैया इस डेड बॉडी को हॉस्पिटल में चेक करवाने लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर मरे हुए बंदे का चेकअप शुरू कर देते हैं और कहते हैं नो 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 वेट अ मिनट भाई ये बंदा तो अभी भी जिंदा है रे I mean इसका पेट देख कर भाई दो तीन सेकंड के लिए अपनी सांस से तो रोक ही सकता था ना। पर नहीं इस दिन में ये सब गब्बर को सीसीटीवी पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ओ, ओ, है वैसे यार इस बंदे ने बस इतने से सर पर बाल क्यों रखे हुए हैं और ये बंदा कहता है साढ़े ग्यारह बजे ग्यारह बजे चलाओ जल्दी और जब गब्बर की फुटेज निकाली तो ऊपर सीसीटीवी में टाइम बारह बज के छब्बीस मिनट शो हो रहे हैं जब के इसने ग्यारह बजे निकाली थी फुटेज और यार ये गरीबों का हनी सिंह कह रहा है जूम मारो जूम पर भाई ये कौन सा सीसीटीवी है जो एट के क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा है वो भी दो हजार पंद्रह में निर्माला भाई इतना ज्यादा जूम मारा है वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन पर और क्वालिटी देखो इतना सी भी कम नहीं हुई यहाँ नीचे कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है पर जब ये लड़की इस पानी से गुजरती है और ये पानी उड़ के अपने गब्बर भैया के मुंह पर पड़ता है तो उनका तो और साफ हो गया भाई पानी देखो कितना साफ होकर गिर रहे इनके फेस पर जबकि पहले इतना गंदा था इस सीन में गब्बर और सुनैना सिग्नल पर खड़े हुए हैं और सुनैना ऐसे ही अपनी गाड़ी से इसकी गाड़ी में आने लग जाती है अब यार ये सीन देख पीछे वाले लोग भी कहते होंगे ये कोई रंडी है और अभी सिग्नल बंद ही है लाइक ये रक्षा भी खड़ा हुआ है और इस साइड वाली कार भी खड़ी हुई है और गब्बर भैया सीधा देख भी नहीं रहे फिर भी गाड़ी चला दी अब यार मतलब गब्बर भैया तो गई पर नहीं पता नहीं कैसे ही इज सेफ फिर ये सब अपने फ्लैट के बाहर होली मना रहे हैं तो सुनैना अंदर जाती है और गब्बर भैया अपनी पिचकारी चलाते हैं कि सब बिल्डिंग नीचे गिर जाती है सुनैना की ऊपर की टिकट कट जाती है पर गब्बर भैया को से भी कोई खरोच तक नहीं आई जादू अभी नहीं क्यों भाई जब बिल्डिंग गिरी तो उससे कुछ सेकंड पहले गब्बर भैया बिल्कुल बाजू में खड़े थे बिल्डिंग की तो वो कैसे बच गए जादू अभी भी नहीं क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी तो इतनी दूर से भागते आ रहे जबकि एकदम बिल्डिंग के बाहर गार्डन में खड़े हुए थे पहले जादू इस दिन में गब्बर भैया ये बिल्डिंग का बताने आए हैं कि वो कैसे गिरी तो यहाँ तो सब भी करप्टेड बंदे बैठे हैं खैर हुए ब्रोक किक मार दे तो अगला गबरू जवान बंदा उठते ही नहीं है पर यहाँ गब्बर ने इस अंकल को तीन बार उड़ उड़ के ब्रोक किक मार दी पर ये तो उसी टाइम उठी जा रहा है पर इसे रोनाल्डो की तरह इसे किक मार के गोल भी किया है फिर भी अंकल जी उठ गए अब यार ये अंकल ने लगता अमिताभ बच्चन वाली एड देख कर पोलियो के कतरे नहीं बल्कि पूरी बोतल ही पीली होगी जो कुछ होता ही नहीं है इन्हें अब इस अंकल ने गिरते गिरते हाथ ही रखा इस चेयर पर तो चेयर का तो अंग अंग ही टूट गया और जब ये अंकल गिरे है तो चेयर का अंग अंग नीचे गिरा हुआ है मतलब उस चेयर के टूटे हुए पार्ट नीचे गिरे हुए हैं और पीछे दीवार है पर जब ये उठते हैं तो भाई पीछे दीवार तो है आई I मीन mean, खिड़की वाली दीवार तो है पर नीचे से वो टूटी हुई चेयर गायब हो जाती है और यहाँ इतनी दूर चली जाती है ग्पर ने एक और ब्लॉक मारी गई इसे तो ये अपने पेट के बल पीछे जा रहा है ना पर जैसे कैमरा इस एंगल से दिखाता है तो वो अंकल तो ऐसे लग रहा है की खुद ही डाइव लगा बाहर जा रहे हैं वेट ये तो वो अंकल है ही नहीं पर जब बाहर खिड़की पर गिरते हैं तो वही अंकल आ गए जादू और ये अंकल जी इतने कि फिर उठ गए अब यार इसे मारना तो लगता थानों से भी ज्यादा मुश्किल हो गया खैर अब ये गब्बर के पीछे ये कुल्हाड़ा मारता है तो भाई जितनी जोर से मारा है ना उससे तो गब्बर भैया का सारे उठ जाना चाहिए था पर ना, ना। ना गब्बर भैया का तो इतू सा का भी नहीं लगा भाई अगर कैमरा ऊपर से दिखाता है तो खूनों खून होते हैं पर पहले इतू से भी खरोच नहीं आई थी अब गब्बर सब करप्ट पुलिस वालों को किडनैप कर रहा है तो ये कमिश्नर इस पुलिस वाले को फोन करके कहते हैं चंद्रकांत कर रहे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा भाई 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 अब यार ये चंद्रनाथ कोड़े है या चंदननाथ आई मीन इतना तगड़ा पुलिस वाला यार और एक रोड मारा और बेहोश होकर किडनैप भी हो गया वाह भाई मतलब भाई ये पुलिस वाला था यार गोली को ट्रॉफी थी जो नीचे गिरे उठा के जेब में डाली और गायब ये सारी पुलिस दिग्विजय पटेल को प्रोटेक्ट करने आई है गब्बर से क्योंकि इन्हें शक है कि गब्बर उसे आज उठाएगा पर सिर्फ दिग्विजय पटेल को देख रहे हैं सब बाकी हर जगह देखी जा रहे हैं अबे जिसे बचाने आए हो उसके पास कम से कम एक आधा पुलिस वाला तो रखो पर नहीं ऐसे खुलने में गब्बर इस अंकल को उठा कर ले गया oh no! और अब गब्बर भैया और वो अंकल एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं तो ऐसे ये हेरा फेरी जैसा मुंह बनाया हुआ गब्बर भैया ने और उसी टाइम जब कैमरा साइड से आता है तो इनके फेस एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा चिल माहौल बनाया हुआ यहाँ पे और ऐसा लग रहा है जैसे बड़े से मुक्का हैं हैं ये अंकल जी गब्बर भैया को पैर मारते हैं। जो लगा नहीं क्योंकि अभी पैर मारने लगे थे कि पहले अक्षय पाजी ने यहाँ जब मार दी तो ये शीशे पर गिरते हैं तो शीशा टूट जाता है पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा भाई कि शीशा टूटने से भी चिंगारी निकली नहीं आई में लोहे से लोहा टकराए तब चिंगारी निकले तो समझ में आता है पर शीशा टूटने से चिंगारी है तो भैया ने इस अंकल को उठाया है तो उठाया देखो कहाँ से पकड़ के है अब यार मेरी देख कर चीखे नहीं कर रही है की भाई जैसे ये उठाया हुआ है तो ये ना हो कि ये बंदा नीचे गिर जाए और जहाँ से पकड़ा हुआ है वो हाथ में ही रह जाए वैसे मुझे सोच के भी इतना दर्द हो रहा है तो इस अंकल की क्या कंडीशन होगी भाई और गब्बर भैया भी लगता है की अख्तर के फैन है जो इसे बॉल समझ कर इसका ही बाउंसर मार दिया नहीं बोला भाई इस पर तो बोनस बनता है नहीं नहीं इस पर तो बनता है क्यूँकी नीचे मारने पर इस अंकल की हड्डिया नहीं टूटी बल्कि बॉल की तरह बाउंस खाकर हवा में उड़ने लग गए खैर अब टाइम आया है इस पिक्चर से पर्दा हटाने का जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो लाइक कर दो क्योंकि आई नो इस पिक्चर में एक मिस्टेक ये है कि ये लड़की उल्टा मोबाइल पकड़ के सेल्फी ले रही है पर पीछे ये सी का अभिजीत का पी में कर रहा है बाबा नहीं बोलो मुझे तो ये अभिजीत भैया ही लगी है तो so वीडियो को जल्दी से शेयर मारो और जल्दी ऐसी फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ क्यूँकी फिल्म को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव